रिनोल्ड पेन वर्सेस सेलो पेन। तो रिनोल्ड वालों एक लाइक करो और सेलो वालों एक सब्सक्राइब करो, देखते हैं किसने कौन सा पेन यूज किया है। रिनोल्ड पेन आया था 1945 में और सेलो पेन आया था 1967 में। पॉइंट रिनोल्ड का। रिनोल्ड के पेन ज्यादा बिके हैं जबकि सेलो पेन बहुत कम बिके हैं। पॉइंट रिनोल्ड का। रिनोल्ड की नेटवर्थ 303 करोड़ जबकि सेलो की नेटवर्थ 785 करोड़। पॉइंट सेलो को। रिनोल्ड को बेचा जाता है 1500 से भी ज्यादा देशों में जबकि सेलो को बेचा जाता है 80 से ज्यादा देशों में। पॉइंट रिनोल्ड का। दोस्तों हमने लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल तो अपनी लाइफ में कभी ना कभी किया ही है, पर हमने अपने पेन के साथ कभी ये भी किया है। रिनोल्ड का सबसे सस्ता पेन आता है 3 रुपए का जबकि सेलो का सबसे सस्ता पेन आता है 5 रुपए का। पॉइंट रिनोल्ड का।